हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग क्या है कि बस बारिश बारिश और बारिश ही हो रही है। रात से जो शुरू हुई है मुसलसल, और अभी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है। अभी 4:15 का टाइम हो गया है, सुबह से ये टाइम हो गया, बिल्कुल बारिश नहीं रुकी है। और मैंने अभी पर उठ के मैंने काम वगैरह भी किया, मैंने लाइट भी नहीं थी, कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हैं, शाम को जाना भी है, और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी मैं आपको बाहर का भी सारा दिखाती हूँ कि बाहर किस कदर बारिश हो रही है और मुसलसल हो ही रही है, रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है। मुसलसल बारिश हो रही है और कितनी तेज़ हो रही है, बादल अभी भी कितने ज़्यादा बने हुए हैं। और बताया है कि सारी रात बारिश है, आज की जो रात से शुरू हुई है वो अभी अभी तक हो ही रही है बारिश, और रुकने का नाम भी नहीं ले रही। लेकिन तो यही मसला बना है कि जिस तरह बारिश हो रही है इस तरह तैयार होके जाना, और फिर कपड़े भी ख़राब होते हैं। अब समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। रक्षा भी हमारे यहाँ तो नज़दीक मिलता भी नहीं, रक्षे के लिए बाहर जाना पड़ता है। और इतनी बारिश में बेटा तो मेरा गया हुआ है, अभी तक आया नहीं। वो भी कह रहा था मामा मैं 6:30 तक आ जाऊँगा। उनसे ये क्या छतरी लेके गया, मैंने कहा बेटा ख्याल से जाना कि बाहर इतना ज़्यादा पानी हुआ है ना। ये देखिए जी, तो अभी हो रहे हैं 6:30 और अभी हम लोगों ने तैयार व्यार भी होना है, और लेकिन लाइट नहीं आ रही है, लाइट का भी नहीं पता। और आज फिर वही रूटीन है कि सुबह जो गैस आती है 8 बजे तक, उसके बाद हमारी गैस बिल्कुल नहीं आती। बारिश जो है मुसलसल लगी हुई है, तो बस अभी बैठे हैं इंतज़ार में कि जैसे लाइट आए तो हम लोग रेडी होते हैं, और फिर जाने की तैयारी भी करनी है क्योंकि जल्दी निकलने की, बाहर बारिश भी है और टाइम लगेगा। मिकी आया था, मिकी को पढ़ाया, बेटी बच्चों को पढ़ा कर आई, उन सबसे फारिग हो गए हैं। बस अब इंतज़ार है सिर्फ लाइट का, जैसे लाइट आती है तो हम लोग रेडी होते हैं। और आज मैंने मेरी ये चूड़ियाँ रह गई थी, मैंने कराची में नहीं पहनी थी, मेरे ब्लैक सूट के साथ की थी, ये यहीं रह गई थी, अभी मैंने निकाली है। फिर मैं वहाँ कराची नहीं ले गई थी, मैंने कहा बस मैं भूल गई थी, जल्दी जल्दी में ये यहीं रह गई थी। मैंने कहा चले आज मैं अपना वो ब्लैक सूट पहन रही, तो उसके साथ ये वाली अपनी चूड़ियाँ पहनूंगी। ये मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है, जब से ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट करी थी तो जब से पड़ी हुई थी, क्योंकि ब्लैक सूट को मैंने पहना ही नहीं था। फिर तभी मैंने कहा चले मेरे सूट के साथ मैच हो जाएगी, तभी निकाल के रखी है। और बस अभी बेटा भी आने वाला है, वो भी आ जाएगा, तो बस रेडी होते हैं। और मैंने सर भी अपना ठंडे पानी से ही धोया, क्योंकि ना गैस है और ना बिजली है, तो बस बैठे हुए इंतज़ार में कि जैसे आए तो बस रेडी होते, क्योंकि लाइट बहुत कम होती जा रही है। बैटरी में थोड़ा सा मसला हो गया, चार्जर उसके सही से चार्ज नहीं ले रहा, तो रोशनी कम है, नहीं तो फिर अभी हम लोग अभी तैयार हो जाते। लेकिन अब लाइट का इंतज़ार करें, जैसे लाइट आती तो फिर रेडी होते हैं, तो फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये प्यारे बहन भाइयों, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश है पेशावर के अंदर, और शादी में भी जाना ज़रूरी है क्योंकि रिलेटिव जैसे हैं हमारे नज़दीकी है बहुत, और हालात आप देख लें यहाँ पे पेशावर के, मतलब हमारे एरिए के सौती के, बहुत ज़्यादा बारिश है। हम रक्शे में जा रहे हैं बैठे हुए, तो अभी बारिश है वो मुसलसल लगी हुई है, रुक रही नहीं है। तो हमने कहा कि चलो आपके साथ शेयर करते सारे रास्ते की भी जी। तो व्यूअर्स, अभी हम हाल पहुँचे हैं और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, इतनी तेज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से पहुँचे, रक्शे में भी हुए तो फिर भी पानी जो है ना रक्शे के अंदर आ ही रहा था, और रोडों पे इतना पानी खड़ा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आस्ते आस्ते जो है ना लोग आना शुरू हो गए हैं, लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अपनों की शादी हो तो इंसान बारिश तूफान तब भी पहुंच जाता है। और लेकिन ये है कि जब सब कुछ खैर से हो जाए बस। तो व्यूअर्स, ये है मिराज, बहुत प्यारी बच्ची है। और हेलो, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची आई है आज हमारे साथ ब्लॉग के अंदर। मिराज हेलो करो, स्पेशल बुलाया है कि अपने ब्लॉग में डालने के लिए। हेलो करो, मिला मामा को देख। हेलो करो, हेलो करो, ऐसे करो, आज से हेलो हेलो। बस अभी यहाँ लाइट गई थी, इस वजह से थोड़ी सी रोशनी भी कम है, तो लाइट आ गई है। जन्नत भी आ गई है, ये जन्नत है और ये मिराल है। ये देखिए दोनों बहने हैं, कजन से आपस में। ये देखिए वाह, चरवार ये। बस ये मेरे पास एक क्यूट सा बच्चा आया है, बेटा अपना नाम बताओ। राहिम। हेलो करो, हेलो हेलो। ये राहिम है, ये मेरा बहुत प्यारा सा बच्चा है, और हमारा फॉलोवर्स भी है, इसलिए हमने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक कमेंट कर रहा होता है। ये बहुत क्यूट सा बच्चा है। हेलो, क्या आपने शादी में इंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। स्कूल भी जाता है भाई, कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ क्लास में। देखिए कितना छोटा सा बच्चा फिफ्थ क्लास में, बात है इसको। और इसके साथ साथ ये क्या और भी बच्चों को बनाता हूँ, साथ में वीडियो पूरा पूरा शेयर करता हूँ।
तुम्हारे साथ जो इसका रिश्ता है ना, हम इसको क्या लगते बताओ? दादा और दादी हमारा बहुत है। ये देखो ये फोर बच्ची आ गई हमें देखते हुए, ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स है। अच्छा क्यूट क्यूट से प्यार कर रहे हैं सारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है हमारा वीडियो। ये तो अभी मेहंदी आई है, लड़की को लेकर आए हैं और मेहंदी भी साथ लेकर आए हैं, लेकिन अभी दूल्हा नहीं आया, अभी सिर्फ दुल्हन को पहले लेकर आए हैं। ये खड़े हुए सामने इधर जी सब ने चूल्हे की एंट्री और यहाँ बना दूल्हे को लेकर आए। हम लोगों ने जाना है घर और बारिश आप देखें 11:30 का टाइम हो गया और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, इसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जी। तो ये है जैस्मिन, आप बोलो हेलो करो। हाउ आर यू? हेलो, कैसी हो? इसका ड्रेस था देखें कितना खूबसूरत। अच्छा बल्ले बल्ले करके दिखाओ, बल्ले बल्ले करके दिखाओ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है। और व्यूअर्स बारिश जो हो रही है ना इतनी जोरों की हो रही है ना, अभी आपको पता है देखती हो तो व्यूअर्स अभी मेरा बेटा और भाई दोनों गए हुए हैं रक्षे देखने के लिए। बहुत तेज जिसको कहते हैं ना तेज बारिश हो रही है, अब समझ नहीं। बाय बाय, देखो मुझे बाय बाय भी कर रही है, सब खड़े इंतजार में। तो बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा बाहर से जाके रक्षा लेकर आया है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। सब लोग खड़े हैं, ये देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही है, एक साथ हो रही है। कल रात से जो शुरू हुई है तो बारिश ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। अभी मैं और आगे बाजी लोग जा रहे हैं, अभी भाई लोग वहीं पर हैं, भाई और एजा के दो रक्षे लेकर आए थे तो हम लोग अभी बैठ गए। तो भाई कह रहे हैं, मैंने उनको बोला कि दोबारा आ जाएंगे, फिर बोले बहुत प्रॉब्लम जी। तो व्यूअर्स फाइनली हम घर पहुंच गए बहुत मुश्किल से। ये शुक्र है कि हमें वापसी पे बेटा मेरा जा गया और भाई मेरे गए थे, भाई रक्षा ले जाते वक्त तो ऐसा हो गया था कि हम लोग बार देखने दरवाजा खोले ही तो दरवाजे पे ही मिल गया था। तो हम लोगों ने ना चादरें ली, शुक्र है छतरियां रख ली थी, बाकी पूरा घर ऐसे बिखरा भागे हम लोग के चले कोई रक्षा मिल गए। तो बस इतनी बारिश है ना, इतनी बारिश है, मुसलसल बारिश हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस अल्लाह माफ करे क्योंकि कभी हम लोगों ने भी इतनी बारिश देखी नहीं कि मुसलसल होती है रुक जाती, लेकिन ये हो ही रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। आप कुछ कहेंगे बारिश के बारे में? बस लगी हुई है मुसलसल लगातार, एक तार जिसको हम लोग कहते हैं कि एक तार लगे ना, हाँ जी। जब से शुरू हुई है उस वक्त से ऐसी ही लगी हुई है, अच्छी बार ऐसे हो रहे से नदी नालों का मंजर पेश कर, रोडों के ऊपर जो है पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ हुआ है। अभी रक्षे में माया हमने देखा है, सारा जाते हुए भी देखा था। कहने की बात ये कि बस अल्लाह अपना रहम करे जी हम सब पर, पता नहीं कौन सी मुश्किल है, क्योंकि हम तो चलो एक पक्की छत के नीचे आ भी गए, जो गरीब को अच्छी छत वाले या चरिंद परिंद उनके साथ क्या हो रहा होगा। अल्लाह ताला अपना रहम करे, करम करे, हम सब के हक में बेहतर हो, जो हम इंसान है और हमारे साथ साथ जो भी जनावर है चरिंद परिंद जो भी होते हैं। तो अल्लाह से यही दुआ है कि बस अल्लाह ताला तू अपना रहम कर और खैर की दे बारिश। अगर ये रक्षे में आके बैठा था ना और फिर ये बैर लेने भी गया था, ये शुक्र है कि बस मिल गए, ये बहुत शुक्र खुदा का कि बस मिल गए। और इतनी ज्यादा वीडियो नहीं बनाई है और उम्मीद है अगर आपको पसंद आएगी। और जो नए आ रहे मेरे बहन भाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में। यार अल्लाह हाफिज़।